अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है गल्फ मैट्रिक्स लॉ, जो कि एक्सटेंशन है अहमदाबाद लॉ की। अहमदाबाद लॉ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि यो स्पीड अप फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। जब हम डाटा को पैरेलल करते हैं, तो पैरेलल करने के बाद हमारा कितना प्रोसेसिंग में स्पीड अप आया वो हम फाइंड करते हैं। लेकिन अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि उसका फॉर्मूला, उसके जो पैरेलल एग्जीक्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, जो पैरेलल टाइम लग रहा है, वो होता है ये फॉर्मूला TP इज इक्वल टू टाइम ऑफ सीरियल जो हो रहा है और टाइम ऑफ पैरेलल जो हो रहा है। लेकिन अब एक और चीज़ होती है, डाटा ओवरहेड। वो अहमदाबाद लॉ इग्नोर कर देता है। अब डाटा ओवरहेड होता है कि जैसे डाटा ट्रांसफर होता है एक प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर, या कुछ और चीज़ों में डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है जो एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रहा होता है, वो उसको ओवरहेड कहते हैं। तो वो उसको इग्नोर ही कर देता है। तो इसलिए फिर आगे गल्फ मैट्रिक्स आया, जो इग्नोर नहीं करता वो इग्नोर। तो उसका फॉर्मूला होता है ये, पहले हमने इसके अंदर जो इसका फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई S माइनस 1 डिवाइडेड बाई P डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई P। इसके अंदर जो S है वो स्पीड अप है हमारा, जो हमने अहमदाबाद लॉ में किया था फाइंड। अहमदाबाद लॉ का स्पीड अप है, P नंबर ऑफ प्रोसेसर्स है, ठीक है। तो असल में ये हमें स्पीड अप भी दे रहा होता है, लेकिन ओवरहेड को मिला के, ठीक है। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, सपोज इन अ पैरेलल प्रोग्राम फॉर 5 प्रोसेसर्स यू गेन अ स्पीड अप ऑफ, ये उसने प्रोसेसर्स दे दिए हैं, मतलब 5 प्रोसेसर्स है, और उसने स्पीड अप भी दे दिया हमें, 1.5x स्पीड अप हुआ। तो हमने सीरियल फंक्शन ऑफ प्रोग्राम, मतलब ई फाइंड करना, जिसको हम कहते हैं सीरियल फंक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो हम ये वैल्यूज दो इनके अंदर पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें, ये हमारे पास प्रोसेसर है पहली लाइन में, ये हमारे पास उसका स्पीड अप है जो कि हमने अहमदाबाद लॉ से फाइंड किया दूसरी लाइन में, ठीक है। और ये हमारे पास कैलकुलेशन के बाद उसका सीरियल फंक्शन आया, ठीक है। अब देखें, ये सीरियल फंक्शन इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। हर ये आइडियल केस है, ये कभी भी सेम नहीं आ सकता अगर प्रोसेसर हम ज़्यादा करी जाए। ये हमने यहाँ पे आइडियल केस लिया। आइडियल केस का मतलब हम यहाँ पे स्पीड अप जितना भी है उसके अंदर कोई ओवरहेड आ ही रहा, डेटा ट्रांसफर का ओवरहेड आ ही नहीं रहा, जिसकी वजह से सेम है, ठीक है। अब अगर हम ये एग्जांपल देख लेके, प्रोसेसर ज़्यादा हो रहे हैं, इसके अंदर 0.07 है, इसके अंदर 0.075 है, इसके अंदर 0.08 है, 8.5 है, फिर 9, देखिए इसके अंदर डिफरेंट हो रहा है। इसका मतलब इसके अंदर ओवरहेड आ रहा है। इसका अब यहाँ पे अगर देखें, जहाँ पे सेम था वहाँ पे 0.1, मतलब कि अगर हम 0.1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो वो आता है 10%। तो आता है हमारा आंसर ये, देखें 10%। तो मतलब 10% से स्पीड अप हुआ है, लेकिन वो जो हमारा पुअर जो स्पीड अप है ना, वो ये सिर्फ सीरियल की वजह से हो रहा है, ठीक है। मतलब जितना सीरियल है ना हमारा, उससे 10% पुअर स्पीड अप आया है, लेकिन वो जो हमारा पुअर स्पीड अप आया है, वो उसकी रीज़न ओवरहेड नहीं है, क्योंकि वो ई सेम जा रहा है। सिर्फ एक बार फिर सुनिए, उसका जो पुअर स्पीड अप है वो सिर्फ सीरियल प्रोग्राम की वजह से है, ओवरहेड की वजह से नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके चीज़ डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे पुअर स्पीड अप उसकी वजह से भी आया है, सीरियल की वजह से, और कुछ हाथ है ओवरहेड ट्रांसफर का, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि ये कभी भी नहीं हो सकता, ये आइडियल केस मैंने कहा है। जैसे हम आइडियल केस कहते हैं कि चलो ये अगर हो जाए, ये मैंने वो कहा है, लेकिन ये कभी भी मुमकिन नहीं है। आप इसको कैलकुलेट करके भी देखें, ये कभी सेम नहीं आ सकता, कि जैसे 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 आप प्रोसेसर में आए, और ये सही है, ये आ सकता है। और इसका मतलब जैसे ये ई आगे जाता जाता डिफरेंट होता जाता है, इसका मतलब हमारे हमारे पास डाटा ट्रांसफर होने में जो ओवरहेड आ रहा है वो भी है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर हम टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।